सबों को प्रेज द लॉर्ड। पूरे स्क्वायर के तरफ से आप सबों को इस पवित्र मिसा में स्वागत है। आज का मिसा का अगुवाई कर रहे हैं फादर जॉन प्रिंस और आज का सुसमाचार और उपदेश दे रहे हैं फादर अजय। चलिए हम सबको ही खुद को प्रिपेयर करें ताकि हम इस मिसा के दौरान हम प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण कर पाए। उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मिसानी वेदन। विशेष आशीष आनंद तिरकी के ऊपर, जैसे वे अपना जन्मदिन 9 मार्च को मनाएंगे। विशेष आशीष और कृपा मैरी और आशीष डुंगडुंग के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर जिनके द्वारा एक नई जीवन की सृष्टि हो रही है। विशेष आशीष और प्रार्थना पुष्पा तिर्की के ऊपर ताकि उनकी स्वास्थ्य अच्छे से रहे, और हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस दौरान मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शरीर रूप से वो ठीक नहीं है, ताकि प्रभु की कृपा से वो जल्द से जल्द ठीक हो सके और प्रभु की स्तुति कर सके। चलिए हम सबको ही प्रवेश कान के लिए खड़े हो जाएंगे। पिता,
और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो समय हम बिताते हैं वह सशक्तिकरण का समय है। हम परमेश्वर के वचन, पवित्र आत्मा और यीशु के शरीर द्वारा मजबूत किए जाते हैं। आइए हम पश्चाताप और पाप स्वीकार के द्वारा एक शक्ति प्राप्त करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं अपनी कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी विनय सुन। 40 के इस वार्षिक तपस्या का अनुपालन कर हम क्रिस्त के जीवन का मर्म समझें और उसके अनुसार योग्य आचरण भी कर सकें। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20, वचन संख्या 1-3, 7-8 और 12-17 तक। ईश्वर ने मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुमको मिश्र देश से, गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मनाने का ध्यान रखो। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक
उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ पुरोहितों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय एक पद संख्या 22 से 25 तक। यहूदी चमत्कार मांगते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं, या यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मुक्तता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी। ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मुक्तता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम सब जय घोष के लिए खड़े हो जाएंगे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी।
संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 2 वचन संख्याएं 13-25 तक। मंदिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्मग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों की चुनौती। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्मग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। जब ईसा पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु ईसा को उन पर कोई विश्वास नहीं था क्योंकि वे सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए, वे तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम 40 का तीसरा रविवार में प्रवेश करते हैं। हम आज के इस दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, विशेषकर 40 की इस समय के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग सुने सुसमाचार में यीशु मंदिर में जाकर उसे शुद्ध करते हैं। जब यीशु मंदिर में आए तो यीशु वहाँ बैल, भेड़, कबूतर ये सबको बिक्री करते हुए देखे। लोग बैल, भेड़े, कबूतर बेच रहे थे। और यीशु उन्हें कहते हैं, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। इसका मतलब लोग मंदिर को बाजार बना दिए थे। वे बैल, भेड़े, कबूतर बेच रहे थे। यीशु सबको बाहर निकाल दिए क्योंकि लोग
उस पवित्र जगह को अपवित्र कर दिए थे, अशुद्ध कर दिए थे, अपमान कर दिए थे। यीशु पवित्रता को बजाय रखते हैं, कायम रखते हैं। हम जानते हैं कि हर जगह का अपना महत्व रहता है, अपना पवित्रता रहता है। हमारा कर्तव्य है कि हम हर जगह का जो महत्व है, जो पवित्रता है, जो पहचान है, उसे आदर करें, उसे सम्मान करें। इस संदर्भ में हमें भी याद करना चाहिए कि हमारा शरीर भी ईश्वर का मंदिर है, हम लोग भी ईश्वर के मंदिर हैं, ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो हमें भी अपने आप को, अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। चलिए हम इस 40 के अवधि में प्रार्थना करें कि हम अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र रखें और ईश्वर की आशीष कृपा पाते रहें। आमेन। चलिए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजन हर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक कलीसिया धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा देह के पुनरुत्थान अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। कबूल करो तुम
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर जिन उपहारों के द्वारा हम पवित्र चालीसे का समारोह आरंभ कर रहे हैं, उन्हें चढ़ाने के लिए हम अधिक योग्य बनते जाएं। यह वरदें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने 40 दिनों तक लौकिक आहार से परहेज कर उपवास की प्रथा को मान्यता दी और प्राचीन सर्प के सभी छल खपट निष्फल कर हमें बुराई पर विजय पाने की शिक्षा दी कि हम पास्का रहस्यों का समारोह योग्य रीति से मनाते हुए अनंत पास्का के सहभागी बन जाएं। इसलिए हम स्वर्ग दूतों और संतों के साथ तेरा स्तुतिगान करते हुए निरंतर गाते हैं। वास्तव में पवित्र हैं, सारी पवित्रता का स्रोत हैं। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कठोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे।
हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश जॉर्ज और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से उतार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरितगण और ससंतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा याचना करें और अपने अपराधियों को क्षमा करने की कृपा मांगें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता येसु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक है। प्रभु येसु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जैसे कि अभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो चलिए हम सब कोई अपना पहला परम प्रसाद को याद करें और उस क्षण को याद करें जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू योग्य रीति से ग्रहण किए थे, और हम यह प्रार्थना को बोलें। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सारे हृदय से प्यार करता हूँ और मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस समय हम आपको संस्कार पूर्वक
प्राप्त नहीं कर सकते। कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। हे प्रभु, हम आपका आलिंगन करते हैं, जैसे कि आप पहले से ही हमारे साथ थे। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दे। आमीन। मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। हमने यह स्वर्गिक रोटी ग्रहण की है जो हमारे विश्वास का पोषण करती, हमारा भरोसा बढ़ाती और प्रेम को पुष्ट करती है। तू हम लोगों में सच्ची और जीवंत रोटी प्रभु यीशु के प्रति ऐसी भूख पैदा कर कि हम तेरे हर वचन का पालन कर सके। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की ज्योति जला दे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु, तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे
से कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, हम सबों को एक जीवन देने के लिए। प्रभु हम सबों के साथ रहिए ताकि हम इस जीवन का, आप जो जीवन दिए उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सकें और हमारे हर एक कार्यों के द्वारा पिता आपको महिमा हम दे पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो, हमारे प्रतिदिन का हमार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। माता मरियम निरंतर हम सबों के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा कि हम इस चालीसे के टाइम पे समय में खुद का मन को साफ कर सके, खुद के शरीर को साफ कर सके और हर एक प्रकार के नेगेटिविटीज है उसे दूर हो सके, छोड़ सके और वो सत्य का मार्ग में हम चलें। हमें मदद हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए माता कि सत्य का मार्ग चलने के लिए सबसे पहले सुनना पड़ता है और प्रभु का हम सुन सके और उनका हम उनको ओबे कर सके, इसके लिए माता प्रार्थना कर दीजिएगा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी, आमीन। कुंवारी मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हे संत योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हे संत फौस्टिना हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हे संत मदर टेरेसा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हे संत जॉन पॉल सेकंड हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हे संत होसे मारिया स्क्रीवा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्रूस कचिन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को धन्यवाद हमारे साथ मिसा करने के लिए और हम हर
फ्राइडे को वे ऑफ द क्रॉस करते हैं 4:15 में, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से ए स्क्वायर के थ्रू से। और आप सबों को चाहिए यीशु और थैंक यू।